हेलो आर्टिस्ट, वेलकम टू आर्टोसॉपी। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने में लगभग काफ़ी घंटे लग जाते हैं और पेशेंस भी काफ़ी चाहिए होता है। सो आज की इस वीडियो के बाद आपको ना पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको उतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि इस मेथड के बाद 15 से 20 मिनट में एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी और आपका समय और पेशेंस दोनों बच जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखें। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा ही वैल्यू ऐड कर पाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो इस हेयर को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए चारकोल पेंसिल, वाइन चारकोल, कंप्रेस चारकोल एंड टोम्बो मोनो इरेजर। सो सबसे पहले हम लोग वाइन चारकोल की मदद से हेयर का जो फ्लो है उस फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग एक रफली स्केच कर लेंगे। देन फिर उसे ब्रश की मदद से हम लोग ब्लेंड कर देंगे। फिर हम लोग अब सेकंड लेयर करेंगे। सो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। सो अब हम लोग कंप्रेस चारकोल का यूज़ करेंगे। सो कंप्रेस चारकोल से आपको हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, लेकिन कम स्ट्रोक्स लगाने हैं, क्योंकि कंप्रेस चारकोल बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हम लोग को कम कम स्ट्रोक्स लगाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी कम स्ट्रोक्स लगाए हैं, तो उसी हिसाब से आपको भी स्ट्रोक्स लगाने हैं कम कम। देन इसे मैं फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ। अब बारी आती है टोम्बो मोनो इरेजर की। सो अब हम लोग टोम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कितना हाईलाइट करना है, तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेशर देना होगा। जहाँ ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना होगा। और फाइनली हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे चारकोल पेंसिल। सो चारकोल पेंसिल से हम लोग जो भी बाहर की तरफ फ्लो है उसको ड्रॉ करेंगे और फाइनल रिजल्ट हम लोग का कुछ ऐसा है। A few minutes later. सो ये मेथड इतना ईजी है कि एक बिगिनर्स भी, जिसको हेयर से और में कोई आइडिया नहीं है, वो भी काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता है। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने और अपनों का ख्याल रखें।